हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट का भाग टू, जिसमें मैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में बता चुका था। और आज जो बताने जा रहा हूँ इसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जानेंगे, कैसे करके यूज करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे पाइथन IDLE। तो ये देखिए हम लोग ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं जो है कि लार्ज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि आज जान लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, एल्स एल इफ के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, देन क्लिक करेंगे न्यू पे। अब यहाँ पर हम लोग का ये जो स्क्रिप्ट खुल चुका है यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। और अभी जो मैं प्रोग्राम करके आपको बताने जा रहा हूँ ये है लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। तो यहाँ पर मैंने हैज़ दिया, हैज़ जो है कि मैं बता चुका हूँ कि ये आपका कमांड लाइन है, इसको जो है कि रीड नहीं करेगा कंपाइलर। प्रोग्राम टू फाइंड लार्ज अमाउंट थ्री नंबर, प्रोग्राम टू फाइंड लार्ज अमंग 3 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को जब ये प्रोग्राम करेंगे तो क्या चाहिए, हमको 3 वैल्यू चाहिए। तो हम लोग चलिए ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या पा रहे हैं, ए जो है कि 10 है, बी जो है कि 20 है और सी जो है कि 22 है। तो ऐसे हम लोग अगर देख रहे हैं तो सी लार्ज हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे करके बताएंगे चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इफ़, हम लोग चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एंड का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एंड का, लॉजिकल जो है कि ऑपरेशन है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पर हम लोग का कोलोन लगा देते हैं, एंटर। यहाँ पर मैंने बताया था आपको प्रॉपर इंडेंटेशन का ज़रूरी है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया है। अगर नहीं लेगा तो आप यहाँ पर स्पेस दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं ए इज लार्ज। चलिए अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एल्स इफ नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एल इफ देन। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या चेक करेंगे, अभी हम लोगों ने दो चेक किया, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी अगर रहेगा तो ए लार्ज है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए एंड यहाँ पर लगा देते हैं, और बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होता है देन क्या काम करेगा, ये कर देंगे हम लोग प्रिंट। क्या करेंगे इसमें हम लोग प्रिंट कर देते हैं बी इज लार्ज। अगर ये भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स कंडीशन लगा देते हैं, क्या होगा प्रिंट सी इज लार्ज, सी इज़ लार्ज। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, प्रोग्राम को यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव करेंगे। अभी आपको और एक चीज़ नया बताने जा रहा है, यहाँ पर जैसे हम लोग सेव करते थे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो दिया हुआ है यहाँ पर सेव हो रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में और पर्टिकुलर ड्राइव में सेव हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, फिर से दिखा देते हैं, फाइल में जाएंगे, देन यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो सेव में जैसे क्लिक करते हैं तो ये पाथ मांग रहा है कहाँ पे सेव करना है। तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई सा भी एक ड्राइव जहाँ पे आपको रखना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर
पाइथन प्रोग्राम बना लेते हैं। अभी इस फोल्डर को जो है कि डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं, बैक करके एक बार दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डी ड्राइव में एक पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर में हम लोग जो है कि अपने फाइल को सेव करेंगे। तो सबसे पहले फाइल का नेम देंगे, देन यहाँ पर डॉट दे करके एक्सटेंशन हम लोग ने क्या दिया था, PY फॉर पाइथन के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो चुका है। अभी मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए रन पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पर रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सी इज़ लार्ज। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर सी जो है कि लार्ज है, तो यहाँ दिखा दिया। जैसे आपने वैल्यू देखा यहाँ पर क्या लिखा रहा है मैसेज में, सी इज़ लार्ज, जो कि एल्स पार्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी जो है वैल्यू हम लोग का, ये सी वैल्यू जो है कि लार्ज दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग वैल्यू को जो है कि इंटरचेंज करके देख लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बना देते हैं 22, इसको बना देते हैं हम लोग 80 रहने देते हैं, देन इसको हम लोग बना देते हैं 10। अभी हम लोग के हिसाब से कौन सा लार्ज दिख रहा है, ए इज़ लार्ज, तो आना चाहिए ए इज़ लार्ज। तो हम लोग इस पर फिर से रन में जब क्लिक करेंगे तो सेव करने बोलेगा, तो यहाँ पर हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए इज़ लार्ज आ गया है, इसका मतलब आपका जो है कि कंडीशन नंबर ए जो है ये भी काम कर चुका है। देखिए यहाँ पर ए काम कर गया। अभी हम लोग फिर से इस वैल्यू को चेंज करते हैं। फिर से वैल्यू को क्या हम लोग चेंज करेंगे, अब ए का जो वैल्यू है इसको दे देते हैं हम लोग 10, और जो है कि यहाँ पर बी को कर देते हैं 22 एंड ए को कर देते हैं 8। अब चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या हम लोग का आउटपुट आ रहा है। तो जैसे हम लोगों ने इसको प्रोग्राम को रन कर दिया, सेव करने का ऑप्शन आ गया। अभी देखिए यहाँ पर बी इज लार्ज का ऑप्शन आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।